नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां चुनावी रण तैयार है। सुल्तानपुर के रण में एक बार पुनः मेनका गांधी ने हुंकार भरी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार फिर प्रत्याशी घोषित किया है। सुल्तानपुर के राजनीतिक परिदृश्य में यदि देखा जाए तो श्रीमती मेनका गांधी के परिवार की जमीन बनकर तैयार हो गई है। एक बार वरुण गांधी तो दूसरी बार मेनका गांधी के सिर पर सुल्तानपुर की जनता ने ताज पहनाकर लोकसभा के सदन में भेजा है। अब तीसरी बार मेनका गांधी फिर इस रण मैदान में। इस परिवार की खासियत रही है कि जिस स्थान से भी अपनी राजनीतिक पारी शुरू करते हैं, वहां की जनता से उनका रिश्ता पारिवारिक और मजबूत हो जाता है। चाहे वह पीलीभीत हो, जहां से मेनका गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, या फिर सुल्तानपुर, जहां से वरुण गांधी ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में उतर कर सुल्तानपुर के राजनीतिक सुल्तान बने। दोनों ही सीटों पर इस परिवार का लोगों से पारिवारिक रिश्ते की आधारशिला काफ़ी मजबूती से रखी हुई है। श्रीमती मेनका गांधी ने जिस तरह से सुल्तानपुर में अपने कार्यकाल में लोगों से जुड़कर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया, वह अभी तक सुल्तानपुर के लिए विकास की नज़ीर बनी है। और शायद इसीलिए सुल्तानपुर की जनता श्रीमती मेनका गांधी को लिखकर दुविधा और असमंजस की स्थिति में नहीं है, और उनको लेकर जनता मन बना चुकी है कि उनकी नेता श्रीमती मेनका गांधी होंगी। इसके पीछे का कारण ये भी है कि श्रीमती मेनका गांधी जात, बिरादरी, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर जनता के बीच रहकर जनता के हितों के कार्य में लगी रहती है, जिसको आम जनमानस भी भलीभांति जानता है। और यही कारण है मेनका गांधी देश के राजनीति में कभी भी हाशिए पर नहीं गई और आज भारतीय राजनीति में अपने सर्वोत्तम उपस्थिति लगातार दर्ज कराती आ रही है। राजनीति ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी श्रीमती मेनका गांधी का पूरा जीवन काल उनके संघर्षशील व्यक्तित्व की गवाही देता रहा है। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी श्रीमती मेनका गांधी के उजले दामन के चलते किसी में भी उंगली उठाने की हिमाकत तक नहीं हुई, हिम्मत की तो बात। और यही वजह है कि श्रीमती मेनका गांधी को सुल्तानपुर की जनता के बीच एक बार फिर से जनता के बीच जाकर जनता के लिए काम करने का वायदा भी जनता देख चुकी है। श्रीमती मेनका गांधी क्षेत्र में जनता के बीच रहकर जनता का कार्य और जनता की सुध कैसे लेती है। जनता श्रीमती गांधी के विकास कार्यों को देख चुकी है। जनता ये भी देख चुकी मेनका गांधी ने कभी किसी के उत्पीड़न करने और कराने की राजनीति नहीं की। शायद इसीलिए श्रीमती मेनका गांधी की तस्वीर जनता के बीच में एक सच्चे जनप्रतिनिधि की बनी है। चुनावी संग्राम में लोग जाति, धर्म, मजहब का गुड़ा भाग लगाते रहते हैं और श्रीमती मेनका गांधी इन सब से अलग हटकर अपनी सीट पर मतदाताओं का मत पाकर लोगों का दिल जीत कर विजय पताका लहरा देती है। और सुल्तानपुर में भी यही होने वाला है। जात बिरादरी का जोड़ घटाव किया जा रहा है, लेकिन मेनका गांधी के व्यक्तित्व के सामने ये सब बौना साबित होगा। उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। जगह जगह सभाओं का दौर जारी है। गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे पर हर जगह श्रीमती मेनका गांधी को लेकर सुल्तानपुर में जीत के कयास लगाए जा रहे हैं, कयास लग रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। बहरहाल सुल्तानपुर की जनता श्रीमती मेनका गांधी को विकास का प्रतिबिंब देख रही है। वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी अपनी जात बिरादरी के लोगों को रूठों को मनाने, बिरादरी का वास्ता देकर इकट्ठा करने में ही लगे हुए हैं।
देखना यह है कि सुल्तानपुर की जनता पिछली बार के मत प्रतिशत और विजय प्रतिशत में कितनी और अधिक बढ़ोतरी कर श्रीमती मेनका गांधी को विजय श्री दिला पाती है, इसकी भी खास चर्चाएं हो रही हैं। श्रीमती मेनका गांधी अपने क्षेत्र में पूरी राजनीतिक मर्यादा के साथ लोगों से जनसंपर्क कर लोगों को अपने साथ अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कर रही हैं और सुल्तानपुर के चुनाव को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के प्रयास में जुटी हैं। वहीं उनकी टीम का काफिला ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह और जोश बढ़ता जा रहा है। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।